हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने 6th क्लास का चैप्टर नंबर 4 इंग्लिश में स्टार्ट किया हुआ है OIM, उसमें अब तक हमने पढ़ा था अलग अलग करेक्टर्स के अलग अलग ड्रीम्स थे और वो क्या कुछ करना चाहते हैं। उसी में आगे रोहित कह रहा है, इफ़ आई हैड ए हुज अमाउंट ऑफ मनी, यदि मेरे पास बहुत सारा पैसा होता, आई वुड ट्रैवल एंड ट्रैवल, तो मैं यात्रा ही यात्रा करता। आई वॉन्ट टू सी द माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड, मैं चाहता देखना माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड के पर्वतों को, बिकॉज क्योंकि दे लुक्ड ब्यूटीफुल इन ए मैगजीन पिक्चर, क्योंकि वो बड़े सुंदर दिखाई देते थे एक मैगजीन पिक्चर में, एक पत्रिका की तस्वीर में। आई विश, मैं चाहता हूँ, आई कुड सेल डाउन, मैं नाव से यात्रा करूँ द अमेजन रिवर, अमेजन नदी की, इन साउथ अमरीका में ऑन ए रैफ्ट, एक नाव पर बैठ कर। आई वॉन्ट टू लिव ऑन द बीचेज ऑफ लक्षद्वीप, मैं चाहता हूँ लक्षद्वीप के तटों पर रहना, एंड डाइव डाउन टू सी कोरल, और वहाँ पर मैं गोता लगाना चाहता हूँ टू सी, देखने के लिए कोरल। कोरल एक समुद्र में पाए जाने वाला पत्थर होता है, जो हीरा पन्ना होता है, उसी तरह एक मूंगा पत्थर होता है, जो कई बार आपने देखा होगा कि लोग अपने अंगूठे में एक पत्थर नुमा पहनते हैं, उसी में से एक होता है मूंगा। तो मूंगा पत्थर, कोरल का अर्थ होता है मूंगा पत्थर होता है, ये एक समुद्र में पाए जाने वाला। आई सपोज, मेरा मानना है कि आई शुड गो, मुझे जाना चाहिए टू द कोणार्क टेम्पल, कोणार्क मंदिर में इन उड़ीसा के कोणार्क मंदिर में, और या फिर द ओल्ड सिटी इन बीजिंग इन चाइना, चाइना के पुराने शहर बीजिंग में, एंड द पैरामिड्स इन इजिप्ट, या फिर मुझे मिस्र देश के पैरामिड्स भी जाना चाहिए। बट वाट आई एक्चुअली इन्जॉय, लेकिन वास्तव में मैं क्या आनंद उठाता हूँ, इज सींग, देखने में नेचर, प्रकृति को देखने में आनंद उठाता हूँ, मोर देन ओल्ड बिल्डिंग्स, पुरानी बिल्डिंग्स की तुलना में। नेक्स्ट करेक्टर आ रहा है सरबजीत। सरबजीत कह रहा है कि व्हाट मेक्स मी वेरी एंग्री इज व्हेन पीपल डोंट बिलीव मी, क्या मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा दिलाता है, जब लोग मेरी बात पर विश्वास नहीं करते। व्हेन आई एम टेलिंग द ट्रूथ, जब मैं सच बोल रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इफ़ आई टेल माई टीचर, यदि मैं अपने अध्यापक को बताता हूँ दैट कि आई कूडंट डू माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क नहीं कर सका, बिकॉज क्योंकि रवि बोरोड माई बुक, रवि मेरी किताब उधार ले गया, एंड फॉरगॉट टू रिटर्न इट, और उसे लौटाना भूल गया। और या फिर आई टेल माई पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता को बताता हूँ दैट कि इट वाजेंट मी, ये मैं नहीं था, बट माई लिटिल ब्रोदर, लेकिन मेरा छोटा भाई था, हु स्टार्टेड द फाइट, जिसने लड़ाई शुरू की थी। और या फिर इफ, यदि आई टेल माई टीचर, मैं अपने अध्यापक को बताऊँ दैट कि आई रियली डिड स्टडी, मैंने वास्तव में पढ़ाई की थी फॉर द टेस्ट के लिए, इवन इफ, फिर भी आई हैव गोट बैड मार्क्स, मुझे बुरे मार्क्स मिले। दे ऑल लुक एट मी, वो सब मेरी तरफ देखते हैं, एज इफ, जैसे कि दे थिंक, वो सोचते हैं आई एम टेलिंग लाइज, मैं झूठ बोल रहा हूँ। द लुक ऑन देयर फेसेस, उनके चेहरे का जो लुक है, दिखावा है, रियली एंगर्स मी, मुझे वास्तव में क्रोध दिलाता है। समटाइम्स, कई बार, आई हैव टू लुक डाउन, मैं देखने लग जाता हूँ नीचे एट माई शूज, अपने जूतों की तरफ, एंड काउंट टू 10, और 10 तक गिनता हूँ, सो दैट, ताकि आई डू नॉट शो, मैं नहीं दिखा पाऊँ दैट आई एम एंग्री, कि मैं गुस्से में हूँ। नेक्स्ट करेक्टर है डोलमा। व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, आई एम गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मैं भारत की प्रधानमंत्री बनूंगी। पीपल ऑलवेज लाफ व्हेन आई से दैट, जब मैं ऐसा कहती हूँ लोग हमेशा हंसते हैं। बट आई एम श्योर, लेकिन मैं आश्वस्त हूँ दैट आई विल डू इट, मैं ऐसा करूँगी। एवरीवन इन माई क्लास, प्रत्येक कोई मेरी क्लास में आस्क्स मी, मुझसे पूछता है व्हाट टू डू, क्या करना है। व्हेन दे हैव ए प्रॉब्लम, जब उन्हें एक समस्या होगी, एंड माई टीचर ऑलवेज ट्रस्ट मी, और मेरे अध्यापक हमेशा मुझ पर विश्वास रखते हैं। व्हेन समथिंग नीड, जब कुछ करने की आवश्यकता होती है, टू बी डन, करने की आवश्यकता होती है इन स्कूल, जब स्कूल में कुछ करने की आवश्यकता होता है, तो मेरे अध्यापक हमेशा मुझ पर विश्वास करते हैं। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन, मैं प्रत्येक के लिए चीज़ें बड़ी अच्छा करती हूँ। आई वॉन्ट अस, मैं हमारे लिए चाहती हूँ, टू हैव गुड हॉस्पिटल्स, अच्छे हॉस्पिटल्स हों, एंड रोड्स, अच्छी सड़कें हों, एंड स्कूल, और अच्छे स्कूल हों। आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट, मैं ये भी आश्वस्त करना चाहती हूँ कि देर आर मैनी गुड साइंटिस्ट, यहाँ बहुत सारे अच्छे वैज्ञानिक होंगे इन इंडिया, भारत में, हु विल इन्वेंट, जो खोज करेंगे क्योर्स, इलाज फॉर डिजीज, बीमारियों के इलाज की खोज करेंगे, एंड सेंड ए स्पेसशिप टू मार्क्स, और एक अंतरिक्ष यान भेजेंगे मंगल ग्रह पर। नेक्स्ट करेक्टर है पीटर। माई फेवरेट डे इज़ द सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ, मेरा फेवरेट डे, मेरा मनपसंद दिन होता है हर दूसरा रविवार ऑफ एवरी मंथ, प्रत्येक महीने का। ऑन दिस डे, उस दिन आवर होल फैमिली, हमारा पूरा परिवार, ऑलवेज गोज, हमेशा जाता है टू द सिनेमा हॉल टू सी ए फिल्म, एक फिल्म देखने के लिए। माई फादर गेट्स द टिकट इन एडवांस, मेरे पिता पहले ही टिकट्स ले लेते हैं, एंड ऑल ऑफ अस, और हम सभी, माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता, माई टू ब्रदर्स, मेरे दो भाई, एंड आई, और मैं,
टेक द बस देयर, वहाँ बस द्वारा जाते हैं। इन द इंटरवल, और फिल्म के इंटरवल के दौरान, अर्थात बीच में जो इंटरवल होता है, ड्रॉप होता है 5-10 मिनट का, उसको इंटरवल बोलते हैं। माय फादर, मेरे पिताजी बाइज अस पीनट्स, हमारे लिए पीनट्स खरीदते हैं। एंड आई लव टू सिट, और मैं बैठना पसंद करती हूँ। इन द डार्कनेस ऑफ द हॉल, हॉल के अंधेरे में ईटिंग खाते हुए, एंड वॉचिंग द फिल्म, फिल्म देखते हुए मैं हॉल के अंधेरे में बैठना पसंद करती हूँ। आफ्टरवर्ड्स, इसके बाद भी, ऑलवेज स्टॉप, हम सभी रुकते हैं टू ईट आइसक्रीम, आइसक्रीम खाने के लिए। एवरीवन इज़ इन ए गुड मूड, प्रत्येक कोई अच्छे मनोदशा में होता है, अच्छे मूड में होता है। एंड वी ऑल फील वेरी लक्की, और हम सभी बड़ा ही लक्की, भाग्यशाली महसूस करते हैं, दैट कि वी आर सच ए हैप्पी फैमिली, कि हमारा इतना अच्छा परिवार है, खुशी फैमिली है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको आप स्टडी कीजिए कल इसे आगे।